उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आए महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को शिप्रा तैराक दल के पंकज ने नदी में डूबने से बचाया, लेकिन वो खुद को नहीं बचा सका। साथियों की मदद से पंकज को नदी से निकाला गया। बेहोशी की हालत में साथी दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उज्जैन से शिप्रा नदी पर संस्था लोगों की जान बचाने वाले युवक ने अपनी ही जान को खो दिया। महाराष्ट्र के जलगांव से हरीश राम गोपाल अपने परिवार के साथ उज्जैन देव दर्शन करने आए थे। महाकाल दर्शन करने के बाद सभी लोग उज्जैन के शिप्रा नदी स्थित रामघाट पर स्नान करने पहुंचे, जहां पर मंगलाबाई स्नान कर रही थी। स्नान के दौरान पांव फिसलने से मंगलाबाई और एक अन्य महिला नदी में जा गिरी, जिसको बचाने के लिए भतीजा हरीश नदी में कूद गया। दोनों को डूबता देख पंकज चावड़ा भी दोनों को बचाने कूद गया। नदी में डूबता देख शिप्रा तैराक दल के अन्य सदस्य भी पहुंचे, सभी को बचाने लगे। इस दौरान पंकज चावड़ा ने हरीश को तो पहले निकाल लिया, फिर दोबारा से महिला को बचाने गया। तब उसकी सांस फूल गई। सांस फूलने के कारण पंकज बेहोश हो गया, जिसे तैराक दल के सदस्यों ने नदी से निकाला और अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। पंकज चावड़ा महाकाल मंदिर पर फोटोग्राफी का काम करता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। परिजन अब जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है। अरे मेरा बालक नदी में तैराक था, वो डूबने वाले को बचाता था। उसका यही काम था, रोज दो चार को बचाता था और बोट भी चलाता था वो। आज क्या हुआ? आज वो दो तीन डूब रहे थे, उनको बचाने गया था तो कोई उस पर लेके ने डूब गए, वो लोग बच गए, हमारा बालक। अभी जिला प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं है भाई साहब। अभी तो कौन कौन है परिवार में? परिवार में एक बालक है, एक बालिका है, उसके मम्मी पापा है, पत्नी है, भाई है। घर में कमाने वाला तो अकेला ही था ना भाई साहब। इसके घर में तो अलग ही रहता था, अकेला ही था कमाने वाला। शिप्रा तैराक दल के अन्य सदस्यों ने बताया कि पंकज चावड़ा एक अच्छा तैराक था, पिछले कई सालों से घाट पर श्रद्धालुओं को डूबने से बचाने का काम करता था। अब तक करीब 100 से अधिक श्रद्धालुओं को डूबने से पंकज बचा चुका है। क्या हुआ था आज? मां से का बोट क्लब का ये पंकज चावड़ा नामक व्यक्ति जो ऑपरेटर है, नाश्ता करने गया था, उसी समय नदी में चार पांच लोग डूब रहे थे तो उनको बचाने में गया, तो वो चार पांच लोग तो बच गए, बाकी उस वो शांत हो गया। लड़के हमारे सब वहीं थे, निकाल लिया। ये सर करीब करीब हो गया 15 से 20 साल। क्या मांग करते हैं आप? शासन ज़्यादा से ज़्यादा जो सहयोग कर सके बहुत ही अच्छा है। करीब करीब इस व्यक्ति ने 100 से 150 लोगों की जानें बचा चुका है। सिंहस्त के अंदर सिविल डिफेंस में मासिक प्रमोट क्लब की तरफ से था। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता, मासिक प्रमोट क्लब संचालक। उज्जैन के रामघाट पर अब तक कई श्रद्धालुओं की डूबने से मौत हुई है। इसके बाद भी प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। प्रति सप्ताह श्रद्धालुओं के डूबने की कई खबरें आती रहती है। होमगार्ड का तैराक होने के बावजूद भी शिप्रा तैराक दल के सदस्यों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।